हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हियर एंड थिंग। जब बचपन में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सुना था तो दोस्तों से मजाक करते थे कि भैया किसी से पैसे ले लो, प्लास्टिक सर्जरी करवा लो और सामने वाला आपको पहचान ही नहीं पाएगा कि आप कौन हो। लेकिन क्या पता था कि जो चीज़ हम करने की सोच रहे थे वो एक्चुअली में उस टाइम पे कोई कर रहा था। तो आज बात करेंगे कि ऐसे ही केस के बारे में जो 1997 में चाइना में हुआ था। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं। तो बात है ये 1997 की। चाइना में एक लेडी है चैन यिले, जो कि 1997 में वहां पे एक बैंक क्लर्क थी। देखिए, ये तो आपको पता है कि जब यहाँ पर हम काम करते हैं तो हम वहां पे उसकी जो कमियां होती हैं, जो उसकी अच्छाइयां होती हैं, हम सब पता चल जाता है। तो ऐसे ही चैन को बैंकिंग सिस्टम में एक फ्लॉ मिला। तो फ्लॉ क्या था? इस फ्लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी अकाउंट का बैलेंस एडिट कर सकते थे। मान लीजिए मेरे अकाउंट का बैलेंस 2 लाख है तो मैं उसको एडिट करके 20 लाख कर सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मैंने अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए हैं। जैसे हम एक्सेल शीट में 2 लाख का 20 लाख टाइप कर देते हैं तो वैसे ही आप टाइप करके अकाउंट का बैलेंस बढ़ा सकते थे। तो चैन ने अपना दिमाग लगाया और इस फ्लॉ का फायदा उठाया। उसने अपने अकाउंट को 5.66 मिलियन युआन, यानी कि 56,60,000 जो युआन थे, उससे अपना अकाउंट बढ़ा लिया। तो अगर मैं रुपीज में बात करूं तो 1997 में ये अमाउंट तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया होती थी। 1997 में 2.5 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो अकाउंट का बैलेंस बढ़ाने के बाद चैन एटीएम खेलने लगी। ये एक एटीएम जाती, वहां से कुछ कैश निकालती, दूसरे एटीएम जाती, वहां से कुछ कैश निकालती, और इसने ऐसा करके 4 मिलियन युआन कैश निकाल लिया। और उसके बाद ये सीधा गई प्लास्टिक सर्जन के पास। तो चेहरा बदलने के बाद चैन अपने पेरेंट्स के घर गई और वहां पर 1.43 मिलियन युआन उसने छुपा दिए। एक नया अकाउंट ओपन करवाया, उसमें 2.1 मिलियन युआन उसने डिपॉजिट करवा दिए। तो उसके 3 दिन बाद चैन घर आती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसने क्या कांड किया है। उनको बताती है कि 1.43 मिलियन युआन कहाँ छुपाया है और कुछ पासबुक भी देती है। अगर और कैश चाहिए होगा तो निकलवा लेना। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। चैन के पेरेंट्स अच्छे होते हैं। चैन के पापा अपनी परी से कहते हैं कि ऐसा मत कर, ये गलत है, खुद को पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन चैन एक भी नहीं सुनती है और वो घर छोड़ के भाग जाती है। और इसी के बीच चैन के पापा पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। उनको बता देते हैं कि 1.43 मिलियन कैश कहाँ छुपाया है और जो पासबुक है वो भी लौटा देते हैं। लेकिन जो चैन है वो भाग चुकी होती है, वो कहीं नहीं मिलती। अब यहाँ पर ना तो पुलिस को पता होता है और ना ही पेरेंट्स को कि चैन कहाँ गई। चैन भाग के जाती है शंघाई और वहां पर एक ब्रोकर को कॉन्टेक्ट करके उससे एक नया आईडी कार्ड बनाती है और शंघाई के किसी गांव में रहने लग जाती है। एक नई लाइफ स्टार्ट करती है, जो पुरानी वाली लाइफ थी उसको पीछे छोड़ आती है। पुलिस को, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता कि चैन कहाँ गई। लेकिन यहाँ पर चैन की एक नई लाइफ शुरू हो जाती है। चैन उस जगह पे क्लीनिंग प्रोडक्ट सप्लाई करने का नया बिजनेस शुरू कर देती है। चैन की पहले शादी हो रखी होती है लेकिन फिर ये दूसरी शादी करती है और वहां से इसको एक बेटी भी होती है। तो सब कुछ मस्त चल रहा होता है, बिजनेस भी अच्छा होता है, फैमिली भी होती है और सब कुछ मस्त बढ़िया चल रहा होता है। और इस बात को 25 साल बीत जाते हैं। लेकिन दिसंबर 2022 में जो पुलिस होती है वो चैन को ट्रैक कर लेती है और उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर पुलिस ने ये नहीं बताया कि उसने चैन को कैसे पकड़ा, क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। लेकिन वो कहते हैं कि वो 25 साल से चैन को ट्रैक कर रहे थे। वो बैठे नहीं है हाथ पे हाथ धर के, वो 25 साल से ट्रैक कर रहे थे और आज जाके चैन उनको मिली है। चैन को अरेस्ट कर लिया जाता है, चैन अपना जुर्म कबूल कर लेती है। और चैन की नई फैमिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। चैन के ऊपर इल्जाम लगता है फ्रॉड का, रॉबरी का और पहली शादी को तोड़े बिना दूसरी शादी करने का। तो ऐसे इल्जाम लगा के चैन को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सीखने वाली बात है कि कर्मा ऑलवेज पे ऑफ, कर्मा हमेशा पे करता है। शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि आपको बड़ी चीज आसानी से मिल गई। जो चोरी करते हैं, रॉबरी, मर्डर ये करते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने, इनको कोई पकड़ नहीं पाया, पुलिस से भी आगे हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में देखेंगे, जैसे यहाँ पर चैन सोच रही थी कि 25 साल बीत गए, सब मक्खन चल रहा है, कोई भी उसे नहीं पहचान रहा, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन 25 साल बाद भी उसे अरेस्ट कर लिया। तो जो ऐसे लोग हैं जो चोरी, मर्डर, रेप, ये ऐसे क्राइम करते हैं, उनका भी टाइम आएगा। जब आप एक हेलीकॉप्टर व्यू देखते हो, जब अपनी लाइफ को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो आपको पता चलता है कि कर्मा कहीं ना कहीं आपकी वेट कर रहा है, जो आपने बुरा काम किया था उसको पे ऑफ करने के लिए। तो जैसी फसल आप बीजते हो वैसे ही काट पाओगे, उसके बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, कुछ सीखने को मिला है, तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी सीख सकें। और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। आप सब्सक्राइब करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी ही मजेदार अजब गजब वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।